नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना संकट की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन है, कहीं भी किसी को अपना काम धंधा या अपना घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने बहुत सारे गरीब किसानों, चाहे मजदूर हों, विधवा महिलाएँ हों, विकलांग हों, या फिर जो है जनधन खाता धारक हों, एलपीजी कनेक्शन धारक हों, उन सभी के खाते में सरकार ने पैसे भेजने स्टार्ट कर दिए हैं और सभी के पैसे में लगभग खाते में पैसे आ भी गए हैं। ठीक है, तो ये पैसे आप कैसे बिना बैंक जाए घर से चेक करोगे कि आपके मोबाइल पे अकाउंट नंबर के जरिए कैसे आप ये पैसे चेक कर सकते हो और साथ ही ये पता कर सकते हो कि आपके घर में किसके किसके पैसे आए हैं, नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिना भाग दौड़ किए चेक कर सकते हो। और अगर पैसे नहीं आए हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में भी पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहले मैं लिए चल रहा हूँ आपको कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जो सरकार ने घोषणाएं करी हैं, जो जो लाभ दे रही है जनता को, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको इसके बारे में सही फायदे मिल सकें। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहला तो 3 महीने का मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके लिए पैसे सभी के खाते में भेज दिया गया है। कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताएंगे। प्लस जो है 2000 रुपये किसानों के खाते में भेजा गया है, सभी को मुफ्त चावल राशन वगैरह दिया जाएगा, वो भी कल परसों से बटना स्टार्ट हो जाएगा। उस कैसे बटेगा उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोगों के खाते में पैसा आया है, ठीक है, चाहे वो आपका बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, विधवा लोगों का पैसा जो 1-1000 रुपये आया है वो हो, या फिर आपका 3 महीने का एलपीजी सिलेंडर बुक कराने वाला पैसा हो, ठीक है, ये सारा पैसा हो, या फिर जनधन खाते में जो आपको 1500 रुपये यानी कि 5500 करके 3 महीने दिया जाना है वो पैसा हो, ठीक है, ये सारा पैसा आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दे दिया है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इस लिंक पे जाके आपको चेक योर बैंक बैलेंस बाय अकाउंट नंबर ये वाला लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको आपके जो भी बैंक है, ठीक है, जो भी जिस बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है वो वाले बैंक का नाम आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने जो भी बैंक है वो डाले दे रहा हूँ, फिर अकाउंट नंबर डाल के आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड डालना है और इसको यहाँ पे जाके फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे सर्च करोगे तो जितनी भी प्रकार जिस जिस प्रकार का पैसा आया होगा, ठीक है, जैसे किसान वाला पैसा आया तो वो लिखा रहेगा, ठीक है, अगला उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर वाला पैसा आया तो वो इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ में अगर आपका कोई जो है राशन वाला पैसा आया है या फिर विधवा दिव्यांग वाला पैसा आया है या अन्य किसी मजदूर वाला पैसा आया है, जिस जिस प्रकार का पैसा आया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख जाएंगी और साथ ही में आपको डिटेल दिया रहेगा किस तारीख में भेजा गया है, कितना पैसा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसमें जो फ्री राशन वाला मिल रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा कि गैस सिलेंडर का जिन लोगों का पैसा आ गया है वो सभी अपना जो है सिलेंडर बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेंडर बुक नहीं करवाएंगे तो फिर अगले महीने का पैसा आपको नहीं आएगा। ठीक है, अभी अगर इस महीने का पैसा नहीं आया है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, पैसा सिर्फ ऐसे लोगों का नहीं आया है जो जिनका अकाउंट नंबर में नाम कुछ और है, खाते पे नाम कुछ और है और आधार पे नाम कुछ और है, ऐसे लोग हो गए, या फिर उनका ऐसे लोगों का नहीं आया है जिनके खाते में आधार लिंक नहीं है या अकाउंट उनका बंद हो गया है। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग जो है अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट के साथ में आधार लिंक करवा सकते हैं, आधार में या बैंक में जो भी चीज़ें गलत हैं उनको सही करवा के जुड़वा दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा 10 से 15 दिन में दोबारा से। ठीक है, चाहे आपका ये जो नगद सरकार ने पैसे भेजे वो हो, चाहे गैस सिलेंडर वाला पैसा हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी गैस सिलेंडर लिस्ट अगर देखना चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी में कितने लोगों का आया है, तो यहाँ पे HP इंडियन भारत गैस उज्ज्वला योजना लिस्ट मैंने दे दी है, इस पर क्लिक करके आप उस गैस एजेंसी वाइज जो है लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो फ्री राशन मिल रहा है, ठीक है, तो कुछ जगह पे तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मुफ्त राशन लेने के लिए कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है, जैसे आप जाओगे गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुफ्त राशन के लिए ऐसे अप्लाई करें, इसके लिए मैंने एक लिंक दे दिया, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ एक वेबसाइट खुल के आएगा जहाँ पे आपको पूरा बताया गया प्रोसेस कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो फ्री वाला राशन लेने के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक ब्रीफ मैंने बता दिया है कि आप वहाँ से जाके आइडिया ले सकते हो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये फ्री वाला राशन भी आपको 15 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके विजिट कर लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन के भीतर कहीं ज़रूरी काम से बाहर निकलना चाहते हो, काम से जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एक लॉकडाउन पास अप्लाई करने का गवर्नमेंट ने लिंक दे दिया है, जहाँ से आप जो है अप्लाई फॉर ई पास कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ से जाके
आप अपने स्टेट के लिए लॉकडाउन पास डाउनलोड कर सकते हो और उससे अप्लाई करके आप कहीं भी अपने काम से जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से विजिट करके जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में पहुँचा दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।